रहीम यार खान के इलाके माजखा से अगवा पुलिस एहलकार की वीडियो सामने आ गई है। मुखबिर पुलिस एहलकार अहमद नवाज ने वजीर आला पंजाब से रिहाई का मुतालबा कर दिया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद अब्बास चौधरी से। जावेद बताएगा क्या तफसीलात हैं। नवाज नामी ये पुलिस कांस्टेबल जो है ये जिस वक्त डाकुओं का हमला हुआ तो ये पुलिस एहलकार जो है वो दो दिन से लापता था और आज जो है वो इस पुलिस एहलकार की वीडियो जो है अभी वो वायरल हुई है जिसमें वो जो है वो वजीर पाकिस्तान और वजीर अला पंजाब और आईजी से मुतालबा कर रहा है कि जो है मेरी जान बख्शी करवाई जाए और डाकुओं के जो मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएं और 5 बजे की जो है वो डाकुओं की तरफ से डेडलाइन दी गई है कि अगर 5 बजे तक उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो अहमद नवाज नामी इस कांस्टेबल को जो है वो मार देंगे। तो वो मुतालबा कर रहा है और अभी इस हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो कोई मौकफ नहीं दिया गया। जी पुलिस की जानिब से ताहल कोई मौकफ सामने नहीं आया है जबकि डाकुओं की जानिब से 5 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। तफसीलात बताते हैं जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।